बीकानेर शहर में दिन दहाड़े हुई फायरिंग, एक युवक गंभीर घायल। नमस्कार, मैं हूं सुमित बिश्नोई, आप देख रहे हैं ट्रिपल एस न्यूज। बीकानेर शहर के कोटगढ़ थाना इलाके में एक दुकान को खाली कराने को लेकर हुई फायरिंग घटना में एक जना घायल हो गया, जिसे पीबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार सोन कोठी स्थित एक चिकन की दुकान को खाली कराने को लेकर दो गुटों में लंबे समय से विवाद चल रहा था। हमारा जो एक कार्यकर्ता है तेजू, और वो यहाँ माड़ियों वो माड़ी समाज का क्रिकेट का चल रहा था कार्यक्रम, और उस पर घात लगाकर ये जो कुछ मुसलमान थे जिसमें कुछ सदीकर ऐसे कुछ नाम आ रहे हैं, उन्होंने मिलके और उस पर हमला किया तलवारों से और उस पर गोली चलाई जिसके उसके जांग में लगी है। देर शाम अचानक कुछ युवकों ने दुकान के बाहर खड़े एक युवक पर तलवार और क्रिकेट के बैट से हमला कर दिया। यही नहीं कि इस युवक के पैर में गोली भी मार दी, इससे युवक लहूलुहान हालत में जमीन पर गिर गया, जिसे तुरंत ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। इस वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर फरार हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर सीओ सिटी दीपचंद सहित कोटगढ़ थाना पुलिस पहुंची। बताया जा रहा है कि जिस युवक के गोली लगी है उसकी पहचान तेजू माली के रूप में हुई है। घटना के बाद गंभीर घायल युवक के साथियों ने और स्थानीय दुकानदारों ने हमलावर को गिरफ्तार करने की मांग की। गौरतलब है कि सोहन कोटी के बाहर स्थित दुकान के किराए में खाली कराने को लेकर मामला जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। कुछ दिन पहले इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसमें पुलिस ने गिरफ्तारी की थी और जेल भी भेजा था। ताज़ा खबरें सबसे पहले देखने के लिए ट्रिपल एस न्यूज को सब्सक्राइब करें और पास में दिख रहे बेल आइकन पर ऑल को ऑप्शन सेलेक्ट करें, ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले आए।